सेवेंथ क्लास चैप्टर एट विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ओरिसा वॉज हिट बाई ए साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आर ऑन 18 अक्टूबर 1999। उड़ीसा में एक साइक्लोन तेज हवाओं के साथ टकराया जिसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आर 18 अक्टूबर 1999 में। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउस मेकिंग 7,00,000 पीपल होमलेस। साइक्लोन ने 45,000 घरों को नुकसान पहुंचाया जिससे कि 7,00,000 लोग 7,00,000 लोग जो है वो बिना घर के हो गए। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर द सेकेंड साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आर हिट उड़ीसा अगेन। और उसी साल 29 अक्टूबर को एक साइक्लोन जिसकी स्पीड विंड स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आर उड़ीसा में फिर टकराया। इट वॉज एकम्पनेड बाई वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। इसमें पानी की वेव्स भी थी जो 9 मीटर ऊंचाई तक थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। हजारों लोगों की जान जाने चली गई। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है नष्ट हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। साइक्लोन ने एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को प्रभावित किया। बट वॉट आर साइक्लोन्स। लेकिन साइक्लोन्स क्या होते हैं? हाउ आर दे फॉर्म्ड। वो कैसे बनते हैं? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव। वो इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन। इस चैप्टर में उन क्वेश्चंस के आंसर को पहचानने की हम कोशिश करेंगे। वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। हम कुछ एक्टिविटीज देखते हैं कि शुरुआत करते हैं जिसमें हवा शामिल है, एयर शामिल है। दीज एक्टिविटीज विल क्लेरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन। इस एक्टिविटीज़ में इन एक्टिविटीज़ में हम कुछ साइक्लोन से संबंधित आधार बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर व्हाट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। शुरुआत करने से पहले हम याद करते हैं कि मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। तेज चलने वाली हवाओं को विंड कहते हैं। एयर एग्जर्ट प्रेशर। एयर जो है वो प्रेशर लगाता है। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको पानी को उबालना पड़ेगा। टेक अ टिन कैन विथ ए लिड। एक टिन का कनस्तर यानी डब्बा लीजिए जिसमें ढक्कन लगवाओ, लिड लगवाओ। फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। इसको लगभग आधा पानी से भर दीजिए। हीट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स। इस कैन को एक कैंडल फ्लेम के ऊपर रख दीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लग जाए। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट के लिए पानी को उबलने दीजिए। ब्लो आउट द कैंडल। कैंडल को बाहर बुझा दीजिए। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। और तुरंत ही जो ढक्कन है वो कैन के ऊपर लगा दीजिए। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है जब आप गर्म कनस्तर पर गर्म डिब्बे पर काम कर रहे हो। पुट द कैन केयरफुली इन ए शैलो मेटेलिक वेसल्स और वॉश बेसिन। और उस कैन को ध्यान से शैलो मेटेलिक वेसल में या वॉश बेसिन में रख दीजिए। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। और उस कैन के ऊपर साफ पानी डालिए। वाट हैपेंस टू द शेप ऑफ कैन। उस कैन के शेप पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखो। यस, ठंडा पानी डाल दें इसके ऊपर तो कैन कैसा हो गया। कैन यू गैस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टोर्ड। क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि ये कैन का या डब्बे का जो शेप है, आकार जो है, इस तरह से क्यों हो गया? इफ़ यू कैन नॉट गेट ए टिन कैन टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल। फिल इट विथ हॉट वाटर। इस प्लास्टिक की बोतल को गर्म पानी से भर दीजिए। एम्प्टी द बोतल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। और
बोतल को खाली कर दीजिए और इसके ऊपर तुरंत ही ढक्कन लगा दीजिए। प्लेस द बोतल अंडर रनिंग वाटर, और इस बोतल को बहते हुए पानी के नीचे रख दीजिए। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अब अपने पुराने अनुभवों को याद कीजिए। व्हेन यू फ्लाई ए काइट, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, जब आप पतंग उड़ाते हो तो क्या चलती हुई हवा आपको पीछे से मदद करती है। इफ़ यू आर इन ए बोट, इज इट ईजियर टू रो इट इफ देयर इज ए विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, और जब आप बोट चला रहे होते हैं तो क्या पीछे से हवा आती है वो आपको मदद करती है। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा के विरुद्ध में विपरीत दिशा में अगर आप साइकिल चलाते हो तो क्या आपको कठिनाई महसूस होती है। यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इन टू द बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट, आप जानते हो कि हमें बाईसाइकिल के ट्यूब में हवा भरनी होती है ताकि इसको टाइट रख सकें। ऑल्सो यू नो दैट अ बाईसाइकिल ट्यूब ओवर फिल्ड विथ एयर में बर्स्ट, और आप ये भी जानते हो कि बाईसाइकिल के ट्यूब में अगर हवा ज़्यादा भर देते हो तो ट्यूब जो है वो फट जाती है। वाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, एयर ट्यूब के अंदर क्या काम करती है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब कीप्स इट इन शेप, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए कि एयर जो बाईसाइकिल ट्यूब में कैसे का क्या करती है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस सो दैट द एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, इन सभी अनुभवों से हमें पता चलता है कि एयर जो है प्रेशर लगाती है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, इसी प्रेशर के कारण पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं बैनर्स है फ्लैग्स है वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट द एयर हैज प्रेशर, आप कुछ और लिस्ट बना सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि एयर में प्रेशर होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन और द बॉटल गेट्स डिस्टोर्ड, अब हम कोशिश करते हैं कि क्यों कैन या बॉटल जो है डिस्टोर्ड हो गई थी मुच गई थी। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन सम स्टीम इन द कैन कंडेंस इनटू वाटर, जैसे हमने पानी डाला कैन के ऊपर इसके अंदर की जो स्टीम थी वो पानी में बदल गई, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, जिससे कि अंदर की जो हवा है वो कम हो गई। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड देन द कैन डिक्रीजेज, और इस समय एयर का जो प्रेशर था कैन के अंदर वो कम हो जाता है। देन द प्रेशर एग्जर्ट बाई द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन, और उसी समय बाहर का जो प्रेशर है हवा का वो डब्बे के ऊपर लगता है। एज ए रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड, इसी कारण जो है डब्बा जो है दब जाता है। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स द एयर एग्जर्ट प्रेशर, ये एक्टिविटी फिर बताती है कि एयर जो है प्रेशर लगाती है।